अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दो टर्मिनल ओपन है, दो सेम सिस्टम का दो टर्मिनल ओपन अलग अलग करके रखा हुआ है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ स्क्रीन शेयरिंग करें। जैसे क्या होता है कि हम सर्वर का टर्मिनल को दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिस टर्मिनल में हम खुद काम कर रहे हैं उसको दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो इसको हम स्क्रीन, एक कमांड है उसके उसके हेल्प से कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जो मदद करेगा यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेयरिंग स्क्रीन विथ वन अकाउंट, मतलब एक अकाउंट से ही हम दूसरे यूजर को अगर देते हैं कि हम जिस टर्मिनल में काम कर रहे हैं उस सेम टर्मिनल में वो भी आके मेरा काम देखे या ऑब्जर्व करे, हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे एक है स्क्रीन हाइफन डी ऑप्शन एंड हाइफन एम विथ एस एंड ए स्क्रीन नेम, और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं आप, वो आप पे है। तो इसको हम कॉपी करेंगे, और मेरा यहाँ दो टर्मिनल ओपन है, दोनों अलग अलग टर्मिनल है। तो यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने इसको इस कमांड को रन किया फर्स्ट वाले टर्मिनल में, लेकिन सेकेंड वाले टर्मिनल में अभी कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो अभी यहाँ पे हम लिस्ट करके देखेंगे कि जो स्क्रीन हम क्रिएट किए वो क्रिएट हुआ है या नहीं। उसके लिए कमांड चलाएंगे scrin स्क्रीन हाइफन ls स्क्रीन हाइफन ls। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले से दो स्क्रीन डिटैच हो चुका है, अभी ये डिटैच है, यहाँ भी न्यू स्क्रीन अटैच हो चुका है, एक स्क्रीन अटैच हो चुका है, ये अभी भी डिटैच शो कर रहा है, लेकिन दो स्क्रीन यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है। अभी हम चाहते हैं कि इस सिस्टम पे हम इसको एक्सेस करें, तो उसके लिए नेक्स्ट कमांड आएगा कि जो हम स्क्रीन क्रिएट किए हैं उसको हम अटैच करें, उससे हम अटैच हो जाए। जो स्क्रीन क्रिएट हुआ है यहाँ पे एक हुआ है वन और एक हुआ है केवल विंडो, तो हम अभी विंडो को अटैच कर रहे हैं इस वाले सिस्टम में, जो फर्स्ट टर्मिनल है उसमें हम अटैच कर लिए, यहाँ अभी अटैच हो गए हैं, फिर भी यहाँ पे अभी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि दूसरे टर्मिनल हम क्या करेंगे कि जो दूसरे साइड से यूजर लॉग इन है उसको भी हम बोलेंगे यहाँ हैव द अदर पर्सन लॉग इन द सेम अकाउंट ऑल्सो अटैच द स्क्रीन सेशन। तो हम बोल रहे हैं कि जो हम सेशन स्क्रीन का क्रिएट किए हैं उस सेशन में यहाँ पे वो अपने सेशन में भी अटैच कर ले। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और अटैच कर देते हैं, ये अभी अटैच हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक तरफ हिट कर रहा हूँ और दोनों तरफ बराबर से बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर हम मारे सीधी ऑप्ट एलएस तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे मारे -AUX ग्रेप स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ आउटपुट सेम है। तो अभी मेरा स्क्रीन एक दूसरे यूजर के साथ, अगर इसी सेम मशीन पे कोई यूजर अगर लॉगिन होता है, सेम अकाउंट से लॉगिन होता है, तो अगर चाहता है कि हम उसका स्क्रीन देखें या हम अपना स्क्रीन उसके साथ शेयर करें, तो हम इस तरह से शेयर कर सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। शेयर करना बहुत ही सिंपल है, स्क्रीन शेयरिंग कमांड लाइन का स्क्रीन शेयरिंग बहुत ही सिंपल है। दो कमांड है, फर्स्ट है एक स्क्रीन क्रिएट करना है, उसके लिए एक कमांड है स्क्रीन हाइफन डी हाइफन एम हाइफन एस, ए ऑप्शन से स्क्रीन कमांड का ऑप्शन से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं मैन से। अगर आप मारेंगे यहाँ पे मैन स्क्रीन, तो ये आपका ऑप्शंस आ जाएगा कि क्या ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे कि जो ऑप्शंस वहां दिया जा रहा है, डी और ए जो ऑप्शंस दिया जा रहा है, वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि क्या उसका ऑप्शन एब्रिविएट करता है। वंस स्क्रीन जब क्रिएट हो गया तो उसके बाद आपको स्क्रीन को अटैच करना है, फर्स्ट फर्स्ट यूजर जो लॉगिन है वो अटैच कर लेगा। अगर रिमोट साइट पे अगर दूसरा यूजर लॉगिन होता है सेम अकाउंट से, तो उसमें यहाँ पे वो भी इस स्क्रीन को अटैच हो जाएगा। अटैच होने पे स्क्रीन शेयरिंग इनेबल हो जाएगा। अब एक ही विंडो पे दो दो यूजर ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या चेंजेस चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। Subscribe the channel and press the bell icon for latest updates.